संजय राउत को लेकर नवनीत राणा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि संजय पांडे पर ईडी द्वारा कार्रवाई हुई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद अब संजय राउत की बारी है। सुनिए उन्होंने संजय पांडे और संजय राउत के बारे में क्या कुछ कहा है। संजय पांडे जी का बहुत दिनों से जब से उन्होंने एज ए कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई पद स्वीकारा, बहुत सारे एलिगेशंस उस पर हमेशा लगते आए हैं। और एलिगेशंस अगर लगते हैं, बोलते हैं आग लगी है तभी धुआं उठता है, अगर कहीं ना कहीं कुछ बात थी तभी जाकर उनको नोटिसेस आने लगी, उनके ऊपर इंक्वायरीज होने लगी। और जब इंक्वायरीज शुरू हुई उसके साथ साथ में बहुत सारे एलिगेशंस मैं आपको बताना चाहूंगी। जब हमारा भी हनुमान चालीसा पढ़ने का जो हमने कहा था उसके बीच में उन्होंने जिस तरीके से हमारे विधायक पे और हम पे अत्याचार किए, पुलिस स्टेशन पे अपनी मनमानी की, डीसीपी को अलग तरीके से ऑर्डर्स दिए, जो गुंडे हमारे घर तक आए उन्हें गेट तक आने की परमिशन दी गई, उसके साथ साथ में अनुग्रह स्टॉक एक्सचेंज के लिए बहुत दिनों से मैं फॉलोअप कर रही हूँ। और अमित शाह जी को भी मैंने उसके ऊपर पत्र दिया था कि इस पे इमीडिएटली कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो देश के ऊपर भरोसा करके उसमें इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर कंप्लेंट कहीं अमरावती में भी हमने दी थी, तो हमने कहा था जिन लोगों के इन्वेस्ट हुए हैं इसमें वो जाके कंप्लेंट दीजिए। तो सीपी को आरती सिंह, वो खुद एक बहुत बड़ी महिला जो कमिश्नर है हमारे यहाँ की, वो भी इसी तरीके से काम करती हैं, तो उन्हें पांडे जी का ऑर्डर आया है कि इसमें कोई भी कंप्लेन दर्ज ना की जाए। तो मैं उन्हें तभी भी हमने पॉइंट आउट किया कि अगर कोई व्यक्ति अगर मिलके ग्रुप बना के जिनका इसमें इन्वेस्ट हुआ अगर वो आके कोई कंप्लेन देते हैं तो उसको कंप्लेन लेने का कानून हमें बताता है, पहले कंप्लेन लिया जाए उसके बाद उस पर इन्वेस्टिगेशन हो, उस पर कोई कंप्लेन नहीं लेना है, ऐसे आदेश पांडे जी ने उनको दिए। वो लेटर भी सामने है। और उसके साथ साथ में जो इनकी कंपनी का प्रॉब्लम है जिसमें कंपनी में इन्होंने फ्रॉड किया है, फोन टेपिंग में जो इनका नाम आया हुआ है, ये सब जो चीजें हैं तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि मुंबई में अगर किसी के ऊपर एफआईआर करनी है तो ब्लैकमेलिंग, नहीं करनी है तो ब्लैकमेलिंग। इस तरीके से कमिश्नर पांडे का काम जब से वो पद पे आए थे उन्होंने ये सब चीजें की। और हमारे साथ जो अत्याचार किया, जो ट्रीटमेंट लॉकअप से लेके पुलिस स्टेशन में और पुलिस स्टेशन से हमारे घर तक जिस तरीके से व्यवहार हुआ, तो मुझे लगता है पाप का घड़ा तो एक दिन भरता है, वो फूटना ही था। और जब भी ईडी कार्रवाई किसी पे करती है तो 100% प्रूफ सिवाय वो कभी किसी पे कार्रवाई का नोटिस कभी किसी को नहीं देती है। जब तक 100% प्रूफ उनके हाथ लगते हैं तब जाके आपको नोटिस मिलती है। और मुझे लगता है इसके बाद बहुत सारे नंबर है महाराष्ट्र से जो पिछले एक 6-7-8 महीने से जिनके ऊपर इंक्वायरी हो रही है, जो हमारे अनिल परब हैं उनको बहुत बार इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया, मुझे लगता है उनके सेटिस्फेक्शन आंसर्स नहीं है करके उन्हें बार बार नोटिसे ईडी के द्वारा और संजय राउत जी को भी ईडी के द्वारा, अभी पांडे जी गए हैं तो उनके बाद इनका भी जरूर नंबर लगेगा। बिकॉज ईडी एक ऐसी संस्था है जो अपने नियम कायदे से चलती है और संविधान को ध्यान में रखते हुए जो सच है उसके बाजू में और झूठ है उनको सजा जरूर मिलेगी। मैं वही कह रही हूँ कि जब से आप अगर देखेंगे पिछले कुछ महीनों से तो ईडी बार बार उनको बुला के उनका सेटिस्फेक्शन आंसर मिलना चाहिए करके इतनी बार उन्हें समन्स दिया गया, पर उनके तरफ से मुझे लगता है जो करप्शन हुआ है, अगर महाराष्ट्र की जनता के पैसे का दुरुपयोग अगर कोई करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, फिर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या मेंबर ऑफ लोकसभा या राज्यसभा हो या कोई भी हाउस का अगर मेंबर होता है, अगर महाराष्ट्र के पैसे का या कोई भी देश के कोई भी राज्य का अगर नुकसान और करप्शन करता है तो उसे बिहाइंड द बार जाना चाहिए। अगर संविधान ये सिखाता है कि नियम कायदे से हमें देश चलाना है, अगर उसके विरुद्ध अगर कोई कार्रवाई करता है तो मुझे लगता है पांडे जी के बाद संजय राउत और अनिल परब जी भी अंदर।